नमस्कार, मेरा नाम मोइन खान और आज एक बार फिर हम इस नए चैनल के अंदर हाजिर हुए हैं एक वशीकरण का नया उपाय लेकर। इस चैनल के हम माध्यम से आपको वशीकरण बताते हैं, जो दूसरा चैनल है हम उसके माध्यम से दोनों को अलग कैसे किया जाता है वो बताते हैं हम, यानी कि मनु चाटक। और तो कैसे आप प्याज के माध्यम से कैसे किसी को अपने वश में कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो कैसे आपको वशीकरण करना है, किसी को अपने वश में करना चाहते हो, और तो किसी को आप अपने अंतर्गत अपने वश में करके अपना मनचाहा काम करवाना चाहते हो तो कैसे करना है उपाय आपको ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको प्याज लेनी है, और प्याज लेने के बाद आपको उस प्याज के ऊपर नाम लिखना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्याज लेनी है और डंठल वाली प्याज जैसे ये है आपको दिख रही है इस तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्याज के ऊपर नाम लिखना है, मान लीजिए उसका नाम है दीपू, प्लस उसका माँ का नाम लिखिए, और यहाँ आपको 3 स्टार बनाने हैं इस तरीके से, स्टार के सामने 333, यानी कि 333। अब यहाँ नाम नीचे नाम लिखने हैं, उसका नाम है प्रिया, तो यहाँ प्रिया इस तरीके से, प्रिया प्लस माँ का नाम ये लिख लेना है। और 3 दिन तक इसकी रोज़ आपको अपने हार्ट के पास लगाना है और बोलना है कि प्रिया जो दीपू है वो मेरे वश में हो जाए, दीपू मेरे वश में हो जाए, या प्रिया मेरे वश में हो जाए, जिसको भी वशीकरण करना चाहते हो आप अपने दिल के पास लगाना है, ऐसा 3 बार बोलना है, फिर हटाना है, फिर दूसरे दिन ऐसा करना है, 3 दिन तक ऐसा करना है, और फिर प्याज को आपको कहीं कूड़े में फेंक देनी है। बस इतना आपको काम करना है, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी लड़की या लड़के या स्त्री महिला किसी को भी अपनी तरफ सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही आकर्षित कर सकते हैं। उपाय पूरे 3 दिन ही आपको करना है, चाहे वशीकरण एक बार हो जाए या 1 दिन में हो जाए या 2 दिन में, तो उपाय करिए और बहुत आसान उपाय है, फ़ायदा लीजिए।